इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं एक पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है पहले उस पार्ट को देखें जिससे कि आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको फैक्टर को फाइंड करना सिखाया था कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और उसको कैसे उसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे कि मल्टीपल की गुणज कैसे ज्ञात करने हैं। बेसिकली जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी नंबर किसी भी संख्या में जब हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं, लाइक नॉर्मल कोई भी एक नंबर लेंगे उसमें हम नेचुरल नंबर, यू नो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि 1, 2, 3 लाइक इस सीक्वेंस में जो चलते हैं, तो हम किसी भी नंबर का प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, उसका मल्टीपल। लाइक यहाँ एग्जांपल में आप देख रहे हो कि 4 के मल्टीपल्स क्या हुए, 4 में लाइक 1 का मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 2 का किया तो 8 आ गया, 3 का किया 12 आ गया, देन 4 का किया 16, सो ऑन। कि इस टाइप से आप जितने नंबर्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। अदर एग्जांपल आप देख रहे हो लाइक टेबल, आप जो पहाड़ा हिंदी में बोलते हैं टेबल्स होते हैं ना, सेम वही पैटर्न है कि जो आपके नंबर्स होंगे उसमें नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होगा और जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। सेकंड आप एग्जांपल देख रहे हैं लाइक अगर मैं 3 के मल्टीपल की बात करूं कि जो 3 है उसका मल्टीपल क्या होंगे, तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे आपको पता है, वैसे तो आपको 3 का टेबल आता होगा, नहीं आता है तो 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करके हम निकालते जाएंगे। तो पहला तो हमारा 3 होगा, देन क्या होगा 6 होगा और उसके बाद 9 होगा, 12 होगा, ठीक है। इस टाइप से जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे उस नंबर के मल्टीपल। क्या है ये, 3 का मल्टीपल 3 भी है, 3 का मल्टीपल 6 भी है, 3 का मल्टीपल 9 भी है, 3 का मल्टीपल 12 है, 3 का मल्टीपल 15 भी होगा। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉमन मल्टीपल के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं लाइक 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24 इसी टाइप से। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है लाइक 7 और 11 के मल्टीपल्स बताइए, 4 गुणज बताइए, 4 अपवर्त्य बताइए, 4 मल्टीपल्स बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या में कोई भी 4 अंकों का प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करके निकाल देंगे, जैसे 9 का, 13 का, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको निकालने हैं। तो मल्टीपल्स बेसिकली होंगे क्या, या तो उसके इक्वल होंगे या तो उससे बड़े होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल समापवर्त या उभयनिष्ठ अपवर्त्य कैसे निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। कोई भी दो नंबर लेंगे, दोनों के हम मल्टीपल्स निकालेंगे और उसमें से जो कॉमन नंबर आएगा उसको हम लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं ये 5 और 8 का कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या किया गया है, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। 5 में नेचुरल नंबर पहले 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो इस टाइप से जब तक करेंगे जब तक कॉमन ना आ जाए। अब 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद आपका 30 आएगा, 30 के बाद क्या आएगा, 35 आएगा, 35 के बाद क्या आएगा आपका, 35 के बाद 40 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 8 के मल्टीपल्स क्या हैं, 8, 16, 24, 32, 40। तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जहां पर भी आपको कॉमन मिल जाए, तो आपको कॉमन एक क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है, और एक कॉमन आपको यहां पर भी क्या है, 40 मिल रहा है। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य 40 है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। इसी को बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल लिए लीस्ट, सबसे पहले हमें 40 मिला, इसके बाद भी और करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, एक टाइम पे इसमें 80 भी आएगा तो 80 भी मल्टीपल इसका कॉमन होगा,
बट यहाँ पे हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो सबसे पहले हमारा 40 आया तो हम 40 को ही लेंगे। आई होप आपको मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल को फाइंड करना आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा आपका सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपका HCF और LCM को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।